अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़े के चॉकलेट चिप कुकी शॉट्स। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो हैं मैदा 2 कप, 1 कप ब्राउन शुगर, 1 अंडा, 1/2 कप मेल्टेड बटर है, अनसॉल्टेड बटर है ये, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 कप ग्रेनुलेटेड शुगर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और मैंने 3/4 कप हर्शीज के मिल्क चॉकलेट चिप्स लिए हैं। मैं इनको थोड़ा चॉप करूंगी। अगर आपके पास मिनी चॉकलेट चिप्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक बोल ले लेंगे, उसमें हम अपना मेल्टेड बटर डालेंगे। बटर हमारा रूम टेम्परेचर होना चाहिए। अब हमारी ब्राउन शुगर जाएगी, वाइट शुगर, इसे मिक्स करेंगे, बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है। अब हम अंडा डालेंगे, अब वनीला एसेंस जाएगा, नमक, बेकिंग सोडा, अब मिक्स करेंगे। हम इसमें मैदा डालेंगे, सारा मैदा एक साथ नहीं डालना है, 2 बैचेस में डाल के मिक्स करना है। अब इस पॉइंट पे आके हम चॉकलेट चिप्स डालेंगे। मैंने चॉकलेट चिप्स को थोड़ा सा चॉप कर लिया था। चॉकलेट चिप्स डाल के बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है। हमारा कुकी डो का टेक्सचर थोड़ा सा क्रम्बली होना चाहिए, देखें इस तरह। अब इसे फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा कुकी डो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसका एक बॉल बनाएंगे और इसे सिलिकॉन मोल्ड में डाल देंगे और अपनी फिंगर से इसे ऐसे प्रेस करेंगे। अब देखें हमारा मोल्ड में जो डो है वो इतना क्रम्बली नहीं है। अब इसे अच्छे से डाल के प्रेस करेंगे। कोई भी स्पॉट खाली नहीं रहना चाहिए वरना हमारे शॉर्ट्स में गैप्स रह जाएंगे। हमें इसे बिल्कुल ऊपर तक फिल नहीं करना है, लेकिन थोड़ी सी जगह छोड़नी है। अब ऐसे ही सारे मोल्ड्स को कुकी डो से फिल कर लेंगे और इसे प्रीहीटेड ओवन में 350 डिग्रीज पे 15-18 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। यह तब तक के लिए बेक करेंगे जब तक सरफेस ब्राउन नहीं हो जाए। देखें हमारे शॉर्ट्स बिल्कुल रेडी हैं, कलर भी देखें कितना प्यारा आया है। हमारे कुकी शॉर्ट्स अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें डीमोल्ड करेंगे। देखें कितनी आसानी से हो रहा है, कहीं से भी जला हुआ नहीं है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। मैंने डार्क कुकिंग चॉकलेट मेल्ट कर ली थी, अब हम इसे शॉर्ट्स में डालेंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। कोई भी स्पॉट खाली नहीं रहना चाहिए वरना हमारा मिल्क लीक कर जाएगा। अगर आपके पास ब्रश है, स्पैचुला है, तो आप उसकी हेल्प से भी आप चॉकलेट को अच्छे से कोट कर सकते हैं। अब हम कुकी शॉट को उल्टा करके रख देंगे कि जो भी एक्सेस चॉकलेट है वो निकल जाए। आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके टॉप पर भी कोटिंग कर सकते हैं चॉकलेट की। सबको ऐसे ही कोट करके फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखें हमारे शॉर्ट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चॉकलेट भी देखें बिल्कुल हार्ड हो गई है। अब आप इन्हें मिल्क के साथ, आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।